हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। मैं स्टूडेंट हूँ। क्या मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ? यस, मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा कि स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यस, आप स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप पेरेंट्स हो और वीडियो देख रहे हो तो जो स्टूडेंट है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है उसको अपॉर्चुनिटी देने वाला वीडियो है। मेरी जो ट्रेनिंग रहती है उससे बहुत 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 सारे लोग आते हैं, उसमें स्टूडेंट भी आते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा उसको डायरेक्टली बोलता हूँ कि कितने लोग स्टूडेंट हैं। बोले हम स्टूडेंट हैं। सबसे ज़्यादा सबके सामने बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये बिजनेस में किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है तो वो स्टूडेंट के लिए है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम है, और इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइम। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम का क्या वैल्यू है? टाइम इज मनी टुडे। क्या है? टाइम इज मनी। और अच्छी अच्छी कंट्री में जाओगे तो टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर देन मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो नॉलेज। तो आपके पास टाइम है, आप नॉलेज ले सकते हो। किस चीज़ का नॉलेज? सबसे पहले है प्रोडक्ट का नॉलेज। यस, आप कॉलेज में हो, आपके पास 2 ईयर है, पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट का नॉलेज, तो आप ये नॉलेज ले सकते हो, ये बिजनेस कर सकते हो। और वीडियो के अंत में बताऊंगा प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? किसे? डॉक्यूमेंटेशन। तो आपके पास टाइम है, आप उसको लर्न कर सकते हो। आपके पास टाइम है, आप उसको लर्न कर सकते हो। यस, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा क्या है? सर, लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक कैसे होता है? बाय एयर लॉजिस्टिक कैसे होता है? बाय सी लॉजिस्टिक कैसे होता है? पूरा आप सीख कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो आप जान सकते हो गवर्नमेंट बेनिफिट कितने हैं, आप स्टडी कर सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में? वो है कॉन्टैक्ट। क्या है? आपके कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो लोगों के साथ रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई क्रेडिट क्यों देगा जब आपके रिलेशन हो गए तब? तो समझो कोई बंदा सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर कॉलेज में है और इसने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख लिया, अब वो क्या करेगा? वो इसके माइंड में रहेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वो लोगों से मिलेगा, कोई सप्लायर से मिला, कोई मैन्युफैक्चरर से मिला, एक बार मिला, दो बार मिला, 2 साल से मिल रहा है उसे, कभी जाता है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, मार्केट के बारे में बताता है, मतलब जानता रहता है और खुद बताता है कि मैंने गया था इधर, नया प्रोडक्ट मिला, मैंने ये बारे में जाना है, पूरा उसके साथ कम्युनिकेशन में रहेगा और ये अपना मार्केटिंग करेगा। क्या करेगा? अपना मार्केटिंग करेगा। तो जब वो कॉलेज से बाहर आएगा 2 साल के बाद, उसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, सप्लायर के रिसोर्सेज होंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज होगा उसके पास, उसको सब प्रोसीजर पता है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स पता है, डॉक्यूमेंट पता है, तो बिजनेस आसानी से कर सकता है, जल्दी से कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो जितने कॉलेज के स्टूडेंट है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं बताऊँगा प्रैक्टिकली कैसे करना है। यस, आप कॉलेज में हो और आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले लर्न कीजिए, उसके बाद क्या करना है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट में करना है। हेलो, यस, जरूरी नहीं है ये बिजनेस बड़ा इन्वेस्टमेंट लगे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस हो सकता है। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे करना है। सपोज आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा तो डोंट गो इन कमोडिटी। यस, आपको यही तो सीखना है, यही तो लर्न करना है, वही तो मैं बताता हूँ कि डोंट गो इन कमोडिटी। आप इनिशियल लेवल पे हो, आप स्टूडेंट हो, इन्वेस्टमेंट कम है, जैसे कि राइस हो गया, बराबर है, और दूसरी जो कमोडिटी है उसमें आप मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का जो प्रॉफिट होता है वो तो एक थोड़ा अच्छा रहता है, बट एक लेवल पे होता है और उससे कंपटीशन ज़्यादा होती है। और दूसरी बात जो मेन आपको बताऊँ मैं, कमोडिटी में जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक बल्क में होता है। कमोडिटी क्या होता है? बल्क में होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जैसे कि राइस हो गए, गेहूँ हो गए, कॉटन हो गया, तो वो क्या होता है? बल्क में होता है। तो ये जो आप इनिशियल लेवल पे हो, बल्क में आप कर नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना है प्रैक्टिकली? चूज अ प्रोडक्ट लाइक इमिटेशन ज्वेलरी। आपको इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना है और आपके पास मिनिमम बजट है 50,000 to 1 lakh rupees, फिर भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। कैसे करना है? यस, आपको मार्केटिंग करना है, बाहर को फाइंड करना है, और जो बायर है वहाँ पे कोई शॉप लेके बैठा होगा, जो छोटा बंदा होगा, बराबर है, और बड़ा भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, बट आपको ऑर्डर देना चाहिए, तो वो आपको ऑर्डर देगा कि मेरे को नई इमिटेशन ज्वेलरी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको ऑर्डर देगा 1 lakh rupees का। कितने का?
1 लाख रुपीज का ऑर्डर देगा, आपको वहां से पेमेंट यहां भेजेगा और आपको यहां से जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, मैन्युफैक्चरर है, वहां से प्रोडक्ट को उठाना है, अच्छी तरह से पैक करना है और उसे बाय सी और बाय एयर जो भी फिजिबल होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे फिजिबल करना डिटेल में सब्जेक्ट है, फिजिबल होता है वो भेज देना है। 1 लाख का आपने यहां से एक्सपोर्ट किया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है, इमिटेशन ज्वेलरी, उसमें कम कम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, मार्जिन अच्छा है और उसमें कम क्वांटिटी में और कम पैसों में लागत में ये हो सकता है। यस, तो आपने किया समझो 20-30% प्रॉफिट है, 30% रहा तो 30,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। आपको क्या करना है, ये तो रेगुलर जो प्रोडक्ट है उसको आपको वीकली एक्सपोर्ट करना है। क्या करना, वीकली मोस्टली ऑर्डर रहता ही है, क्योंकि 50,000 1 लाख का तो वहाँ बेच ही देगा वीक में, तो आपको वो ऑर्डर देगा। अब वो क्या करेगा, क्योंकि इसमें देखिए कई लोग पूछेंगे कि सर वो तो बल्क में ही लेगा, इतना बेच देगा, पर जो ये इमिटेशन ज्वेलरी है, फैशन ज्वेलरी है, ये क्या होता है, रोज नहीं आती है, समझ आ रहा है, रोज नहीं आती, तो उसको बल्क में वो स्टॉक नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो गुजराती हूँ, हर लेवल से पहले थिंक कर लेता हूँ कि इसमें क्या प्रॉफिट कैसे होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएंगे, पहले से डिटेल में मैं स्टडी करने के बाद ही मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, नई नई चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वीकली 4 ट्रांजेक्शन करने, 1,30,000 प्रॉफिट, 4 × 30,000 तो 1,20,000 का प्रॉफिट करके आ रहे हो। मैं तो स्टूडेंट हूँ, समझ में आ रहे, चलो एक काम करते हैं, कम ले लेते हैं, 50,000 का प्रोडक्ट है, 20% ही प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट आप वीकली भेज रहे हो, 20% प्रॉफिट है, मतलब 10,000 रुपीज मंथली कर रहे हो, 4 टाइम्स कितना, 4 टाइम 40,000 करते क्या हो, स्टूडेंट हूं मैं तो, यस। और जब आगे एक बार बढ़ जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बड़े लेवल पे कर सकते हो, बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको पेमेंट टर्म का पता है, आपको पेमेंट सिस्टम का पता है, आपको कैसे पैसा आता है उसका पता है, तो यस स्टूडेंट भी ये बिजनेस कर सकते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो मेरी जो ट्रेनिंग में आते हैं और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रोफाइल कैसे बनाना है, ब्रांडिंग कैसे करना है अपने आप को, अपने आप को कैसे ब्रांड बनाना है, पूरा डिटेल में सिखाता हूँ। तो आप स्टूडेंट हो और इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आप आ सकते हो और पूरा सीख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर इज़ योर्स, आपका फ्यूचर बनाना आपके हाथ में है और ये बिजनेस में आप आ सकते हो। समय धीरे धीरे, यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं कि आप आओ सीधा ही हो जाएगा रातों रात, नहीं, कोई रातों रात नहीं होता है, और ये इंटरनेशनल बिजनेस है, सिस्टम से करना है, ध्यान रख के करना है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट हो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिस्टम से करो, सीख के करो, क्या करना है, सिस्टम से करना है, सीख के करना है, राइट गाइडेंस के अंडर में करना है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के स्टूडेंट को शेयर कीजिए, उसको नॉलेज मिले कि ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, अभी से प्लान करना है। देखो क्या होता है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना है कि सर अभी कॉलेज कर रहा है, कॉलेज के बाद ही कराऊंगा, नहीं, राइट टाइम इज टुडे, आज सीखेगा तो उसका माइंड में रहेगा, जहाँ जाना है उसका, उसको विजन पता है, तो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करेगा, उसके बारे में स्किल इकट्ठा करेगा, तब जाके बिजनेस होगा। और आपको कोई भी क्वेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर आंसर दूंगा। और आप हमारे एक्सपर्ट की हेल्प चाहते हो तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे और पूरा बताएंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है और उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।